देश भर में 10 अक्टूबर को मनोरोगों पर पूर्ण विराम लगाने, जिला अस्पताल में दिए जाने वाली विशेष सेवा को लेकर डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। जिला चिकित्सालय दुर्ग में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को ओपीडी नंबर 9 में मनोरोग विभाग में मानसिक स्वास्थ्य एक यूनिवर्सल मानव अधिकार है की थीम पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का भव्य आयोजन किए जाने को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बीमारी से जुड़ी बातें बताई। साथ ही बताया कि समाज में आज भी मनोरोग चिकित्सक को पागलों का डॉक्टर कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि निमहांस बेंगलोर द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे के हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 50 लाख मानसिक रोगी हैं, जिसमें 30 लाख मरीज सिर्फ शराब की लत से ग्रसित हैं। इनमें से लगभग 10 से 12 लाख रोगियों को इलाज संभव हो पा रहा है, जबकि बाकी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसे ट्रीटमेंट गैप कहा जाता है। साथ ही बताया कि दुर्ग जिला चिकित्सालय में रोज लगभग 50 से 60 मानसिक रोगी इलाज के लिए आते हैं। उसमें शिजोफ्रेनिया, उदासी रोग और नशे से संबंधित परेशानियों से ग्रसित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनता भूत प्रेत जादू टोना जैसी अंधविश्वास वाली चीजों पर जरूरत से ज्यादा रुझान रखती है, जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल आने में अक्सर देरी हो जाया करती है और पीड़ितों का समय पर इलाज नहीं होने से वे परिवार के लिए बोझ बनते चले जाते हैं। 10 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय के मनोरोग विभाग में मनोरोग से ग्रसित मरीजों को और उनके रिश्तेदारों को मानसिक समस्याओं से निपटाने के विशेष तौर तरीकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज भी कराई जाएगी, जैसे पोस्टर मेकिंग, रंगोली कंपटीशन, गायन इत्यादि, जो मरीज खुद घर पर अपने परिजनों के साथ करके तनाव को दूर कर सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। ये जो शिविर है, ये शिविर नहीं कहूंगा मैं, ये एक सेलिब्रेशन है। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन जिला चिकित्सालय दुर्ग में हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि मरीजों के लिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि रंगोली कार्यक्रम होगा, गायन प्रतियोगिता होगी, पोस्टर मेकिंग होगा। हम स्कूलों में जा कर के जो है छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को और इवन कि उनके जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको भी ये चीज़ें बताएंगे कि किस किस प्रकार से मानसिक रोग हो सकते हैं और क्या क्या उसका इलाज हो सकता है। जैसा कि हम देखते हैं नेशनल लेवल से हमारे पास जो आंकड़े आए हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी लगभग 50 लाख मानसिक लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रसित हैं, जिसमें कि केवल 10 से 12 लोगों को ही मानसिक रोगों का इलाज उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जागरूकता की कमी है और जो लोग हैं वो झाड़ फूँक और अंधविश्वास जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए अक्सर मरीज़ जो है वो देर से इलाज के लिए आते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि कभी भी मानसिक रोग के किसी भी प्रकार के लक्षण आपके अपनों के अंदर, बच्चों के अंदर नज़र आते हैं, तो आपको मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। और ये जो धारणा है कि एक बार जो दवाई शुरू हो जाती है वो आजीवन चलती है, बिल्कुल गलत है। हमारी दवाइयाँ 6 महीने से साल भर के अंदर बंद हो जाती है और मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।